अर्जुन नगर क्षेत्र के शांति कुंज शिव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद्भागवत कथा के छठवें दिन बुधवार को भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की सुंदर कथा सुनाई गई। गीता के चौथे अध्याय 13वें श्लोक में बताया गया चातुर्वर्ण मया सृष्टम और गुण कर्मा विभागशा। चार वर्णों की सृष्टि मैंने की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। इनके पूर्व जन्म के अनुसार मैंने इनकी सृष्टि की है। इनके पूर्व जन्म के अनुसार इनके गुण और कर्मों को देखते हुए भगवान ने चार प्रकार की सृष्टि कर दी। और कृष्ण लीला चल रही है, आप तो देख ही रहे हो कैसा जन सैलाब उमड़ रहा है। और ये तो आपको पहले ही बताया गया था, ये बच्चा जॉब छोड़ के आया था, लेकिन इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि ये ज्ञान बांट रहा है। साहब पंडाल में तो बहुत दूर दूर के भक्त आ रहे हैं, एमपी तक, एमपी और राजस्थान से भक्त आ रहे हैं। ये पोजीशन है वो आप देख ही रहे हो कि प्रांगण में जगह बच नहीं रही है। ये पोजीशन है, भगवत कथा हो रही है और पहली भागवत है बालक की, जो जीएलए कॉलेज में पढ़ते हैं। पढ़ाई के साथ साथ बच्चापन से ही उनका कन्हैया जी में, राधा रानी में ही ध्यान है। और कन्हैया जी आज वर्णन कन्हैया जी का ही चल रहा है और भीड़ जो है खूब उमंग के साथ में उमड़ रही है। और ब्यास जी की पहली भागवत इस मंदिर में बैठी हुई है और उसके साथ ही सभी लोगों में खुशी का उल्लास छाया हुआ है। भक्तों में बहुत अच्छा उत्साह लग रहा है, भक्त सारे खुश हैं, कह रहे ब्यास जी बहुत अच्छी कथा कह रहे हैं। जिस हिसाब से बच्चे हैं उस हिसाब से ब्यास जी बने हैं। ये सबके ये पहली है। एक बार छोटी सी कथा, इन्होंने अपने गृह प्रवेश किया था, हमने जब मकान लिया था जब करी थी, और आज यहाँ पहली कथा है। दूसरी है घर में करी थी, एक दूसरी है। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये युगल किशोर जी हैं वो बहुत अच्छा भागवत बोल रहे हैं। और जय श्री राधे, जय श्री राधे। यहाँ प्रवचन बहुत अच्छे दे रहे हैं, कृष्ण के बारे में गीता हो रही है, भागवत हो रही है, उसके बारे में बता रहे हैं। बहुत अच्छा है, सुंदर दे रहे हैं, बहुत जैसी इनकी एज है उसके हिसाब से बहुत अच्छा सुना रहे हैं। हाँ पूरा पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको।